नमस्कार, अब खबर धौलपुर से। धौलपुर जिले के कंचनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दो लोगों ने गोली लगने के साथ चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। दरअसल डेरा निवासी शोभाराम के खेत कंचनपुर गांव में है, जिन पर सुकेपुरा निवासी एक परिवार जबरन कब्जा करना चाहता है। इस जबरदस्ती कब्जे को लेकर वह भी झगड़ा हो चुका है। कुछ दिन पूर्व भी पीड़ित शोभाराम टॉली को आरोपियों ने आग के हवाले कर दिया था। आज शोभाराम अपने परिवारजनों के साथ कंचनपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आया था, जिनकी भनक आरोपी पक्ष के लोगों को लग गई, जिस पर कंचनपुर चौराहे पर पहुंच गए और पीड़ित पक्ष के लोगों को घेर कर लाठी से हमला कर दिया और साथ ही फायरिंग भी कर दी, जिससे दो लोगों की गोली लगने से पाँच लोगों घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। धौलपुर से चैनल डी लाइव के लिए खेमराज मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।